बार का बिग बॉस इतना क्रेज, इतना ओवर द टॉप टीवी बैन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस के बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों इस बार के बिग बॉस का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बार बिग बॉस टीवी से 6 हफ्ते पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर आ जाएगा और इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सल्लू मियां की जगह करण जौहर होस्ट करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी काफी मशहूर हस्तियां इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं। तो आइए जानते हैं किन सेलिब्रिटीज का बिग बॉस के घर में जाना फाइनल हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे पहले कंटेस्टेंट है नेहा भसीन, बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर जो कि जग घूमिया, स्वैग से स्वागत जैसे फेमस गाने गा चुकी हैं और इस सीजन में बिग बॉस के घर आ रही हैं। अब चलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की ओर, जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के बाद सीधा बिग बॉस 15 पर आने का ऐलान कर चुके हैं। ये और कोई नहीं, नागिन सीरियल के अर्जुन बिजलानी हैं, जिनके मजाकिया अंदाज से सभी वाकिफ हैं। तीसरे कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल को पहले भी काफी बार बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया था और आखिरकार दिव्या ने इस बार बिग बॉस के घर में आने के लिए हामी भर दी, लेकिन फैंस में सस्पेंस बनाए रखने के लिए ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। चौथे कंटेस्टेंट को टीवी की रजनीकांत के नाम से भी जाना जाता है, हम बात कर रहे हैं बहू हमारी रजनीकांत की, रिद्धिमा पंडित की। रिद्धिमा भी खतरों के खिलाड़ी के बाद अब बिग बॉस में आने वाली हैं। सना मकबूल है पांचवी कंटेस्टेंट, जो कि खतरों के खिलाड़ी में अपनी फैन फॉलोइंग तैयार कर चुकी हैं और इसके बाद ये अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए बिग बॉस में भी दिखाई देने वाली हैं। वैसे तो खतरों के खिलाड़ी के काफी जाने माने कंटेस्टेंट बिग बॉस 15 के घर में दिखाई देने वाले हैं। उनमें शामिल है करण नाथ, नेहा मर्दा, अमित टंडन और बाकी के नाम और ट्विस्ट तो शो में देख कर ही पता चलेगा। जाते जाते बिग बॉस 15 के घर की पहली झलक हम आपको दिखा ही देते हैं। देखा ना आपने इस बार का बिग बॉस का घर कैसा बनाया गया? आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मेरी वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।